आजादी की पूर्व संध्या, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। पंद्रह अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली और कल हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस आजादी का दिन मनाएंगे। लेकिन साथियों, ये आजादी वो आजादी नहीं है। इस आजादी का जिक्र जो है, जो आजादी के शहीद हुए, आजादी दिलाने के लिए जो लोग शहीद हुए, उनको उनके जो नारे थे, तो जो आजादी के दीवाने थे, जिन्होंने आजादी के आंदोलन को लड़ा, बलिदान दिया, तो उन्होंने एक अच्छे देश की कल्पना की। जैसे मैंने कहा कि 75वां आजादी का दिन हम लोग मनाएंगे, लेकिन आजादी मिली कहां है और किस चीज से आजादी? बस गौर अंग्रेज चले गए, सत्ता उन लोगों के हाथ में चली आई जिन्होंने ऐसा कुछ करना ही नहीं था कि जिस वास्तविक आजादी का एहसास देश की जनता कर पाए। क्या महिलाओं को इस देश में आजादी मिली? और अगर मिली होती तो क्या आज भी छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता, उनकी हत्याएं होती? क्या आज भी महिलाएं देश के किसी कोने में रात में घूम सकती हैं? क्या गरीबी अमीरी में अंतर हुआ? जो अंतर था वो खत्म हुआ? आज भी गरीब सुबह उठता है तो उसके मन में एक ही सवाल रहता है कि आज के परिवार का भोजन, उसका भोजन कैसे तैयार होगा, उसके लिए उसको मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। जो गैर बराबरी तब थी, आज भी वो बड़े पैमाने पे कायम। क्या किसानों को आजादी मिली? वो अपनी फसल को अपने दाम पे नहीं बेच सकते? क्या नौजवानों को आजादी मिली? अच्छी शिक्षा की, रोजगार की? क्या वंचित वर्ग के लोगों को आजादी मिली? आज भी उनका जीवन, आज भी जिस देश में आजादी के इतने दिन बाद, संविधान लागू होने के इतने दिन बाद, 84 करोड़ लोग सस्ते भोजन पर डिपेंड हो कि उनको सस्ता राशन सरकार देती है, तो समझिए उस देश की तरक्की में कितना काम हो। क्या आज भी छुआछूत खत्म हुआ, गैर बराबरी खत्म हुई, जाति का इनकार खत्म हुआ, जाति के नाम पे उत्पीड़न खत्म हुआ? तो कैसी आजादी? आजादी का मतलब ये नहीं कि भारत जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। आजादी तो वो जो देश के अंतिम व्यक्ति को भी वो विश्वास, वो समान अधिकार और वो अवसर प्रदान करे जिसके बाद देश तरक्की की राह पर चले। क्या होता है देश प्रेम? देशभक्ति के नारे लगाना या एक दिन देश के आजादी का जश्न मनाना, पटाखे फोड़ना, नाचना, इसको आप आजादी समझते हैं? ये आजादी नहीं है। ये तो हम लोगों ने अपने मन में एक दिन का अवसर बनाया कि हम लोग खुश हो जाएं। और क्या इस एक दिन के बाद पूरे एक साल हम लोग क्या देश के बारे में सोचेंगे, देश की तरक्की के बारे में, देश की जो देश में जो समस्याएं हैं उनके निवारण के बारे में, देश के सम्मान के बारे में? बाकी दिन हम लोग क्या करने वाले? क्या कभी नौजवान ये एहसास करते हैं कि जिस तरह से पूरे देश की बदनामी दुनिया में हो रही है और ये बदनामी के कारण जो है आपसे छिपे नहीं है, बहुत सारे कारण तो आप जानते हैं, किस तरह सरकारें झूठ बोलते हैं, किस तरह सरकारें जो हैं उनकी नीतियां। तो मैं ये समझता हूं कि ये वास्तविक आजादी नहीं। अभी आजादी हमसे कोसों दूर, और आजादी मांगने से नहीं मिलती, आजादी जो है वो छीननी पड़ती है। आजादी मन से, आजादी सोच से, आजादी बुराइयों से,
और गुलामी से भी आजादी। मैं बहुजन समाज की बात करता हूँ, बहुजन समाज तो आज भी बेबस है, लाचार है। देश की महिलाएं आज भी लाचार। जब दिल्ली जैसी जगह में 10 दिन के अंदर 2-2 रेप होते हैं बच्चियों के, तो ये कैसी आजादी? तिरंगा झंडा हाथ में लेके उसको फहराने से आजादी नहीं आती है, उस तिरंगे का सम्मान भी करना पड़ता है। क्या नेताओं के नजरों में उस तिरंगे का सम्मान है? अगर सम्मान होता तो देश के किसान जो है वो 8 महीने से अपने देश में सड़कों पे ना पड़े होते। और मैं, आप कह रहे हैं कि आजादी का जश्न, कैसा जश्न? अपने देश में आंदोलनकारियों के बीच जाने के लिए किस तरह की जो है परमिशन की जरूरत है? कौन सी आजादी है कि लोग आंदोलन नहीं कर सकते हैं? उनकी बिजली काट दी जाएगी? ये देश तो आजाद आंदोलन से हुआ था। इस देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे लोगों ने साधु से दी। इतिहास से तो हमें हटा दिया गया, हमारी कुर्बानियों को इतिहास से तो निकाल दिया गया। ऐसा एहसास कराया जाता है कि बहुजन समाज का कोई योगदान नहीं है आजादी में, लेकिन जो योगदान है वो तो हम लोग जानते हैं। चाहे चोरा चोरी के मामले में रमापति चमार के साथ और सैकड़ों लोगों को जो है फांसी की सजा हुई, और चाहे यहां 1857 का बिगुल मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, नहीं माता दीन वाल्मीकि जी के नेतृत्व में, धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में इस देश में चला, कौन कहता आजादी में योगदान नहीं? आप इतिहास उठा के तो देखिए और जाके देखिए वो जो नाम जो शहीदों के लिखे में, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा, कितने लोगों का इस देश की आजादी में खून शामिल है। लेकिन जिस सपने के वो आजादी के सपने को उन्होंने देखा था, वास्तविक आजादी, वो तो आज भी नहीं मिली। तो मुझे तकलीफ है कि मैं उन किसानों को परेशान होने करने के लिए नहीं, तो मैंने कहा कि नहीं आ रहा हूं, मगर आप उन किसानों की परेशानी, मैंने अधिकारियों से बात की, आप उन किसानों को परेशान मत कीजिए, उनको चैन से जीने दीजिए, उनके साथ कोई साजिश मत कर दीजिए बिजली की काट के। जहां भी अन्याय अत्याचार होगा वहां बीमार में आजाद समाज पार्टी खड़ी होगी, वहां बाबा साहब के वंशज खड़े होंगे, वहां बाबा साहब का खून जो है वहां बाबा साहब का एक खून जो है वो लड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि मंडल कमीशन के लिए माननीय काशीराम साहब ने 45 दिन बोट क्लब पे धरना दिया और जेल भरो आंदोलन चलाया। हम तो उन्हीं के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए जेल जाना पड़े तो पीछे मत हटो, लेकिन अगर आप सरकार में ना, आप विधानसभा और संसद में बहुमत में ना हो तो सड़कों पे बहुमत में रहो। तो हमने तो उन्हीं से सीखा, अपने गुरु अपने महापुरुष से।